चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे 5 बार हरियाणा प्रदेश में, भाई अभय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने प्रदेश की बैठक में कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में नीरज शर्मा जी हमारे 2 बार के विधायक बादली से, जसवीर सिंह ढिल्लो जी हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष हैं नारनौल से, उमेश सिंह लवान जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्याम सिंह राणा जी हमारे ऑल इंडिया के संगठन मंत्री हैं, ये टीम हमारी एक बनी थी। और आज हमने अपना दौरा शुरू किया। पहली हमारी मीटिंग गुड़गांव लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा की थी। कैंडिडेट्स के पैनल हम लोग तैयार कर रहे हैं। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये है। इसी तरीके से आज 2 लोकसभा की बैठक थी, यहाँ रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी की, तो यहाँ भी साथियों ने अपने आज हमें आवेदन दिए हैं। पैनल हम तैयार कर रहे हैं और ये हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर चौटाला साहब से बात करेंगे। इन दिनों के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जा चुके हैं, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसके नाम पर कब तक चर्चा हो सकती है? उसमें चौटाला साहब पे छोड़ दिया गया। चौटाला साहब ने प्रदेश की बैठक में कार्यकर्ताओं से राय ली थी कौन प्रदेश अध्यक्ष बने। सारी जनता ने, सारे वर्कर्स ने चौटाला साहब को ही सौंप दिया ये कि आप ही फाइनल करो जिसका भी नाम करना है। क्योंकि बसपा के आप पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, ये तो हाईकमान फैसला करेगा। तो आगे की अगर बात की जाए, जैसे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे भाजपा छोड़कर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनेलो पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या कांग्रेस? नहीं नहीं, देखो इनेलो पर कोई प्रभाव नहीं। इनेलो अपने आप में एक ताकत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन आज की डेट में बहुत मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं। क्या हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं, ये हमारे हाई कमांड ने कई बार कहा है। तो आगे क्या रहेगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी जीत पाएगी या विधानसभा में? बिल्कुल जीतेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 10 की 10 विधान लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट हम लोग तैयार करेंगे, चुनावी मैदान में चाहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जरूर जीतेगी। अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है, तो अगर लगातार गठबंधन जारी रहा तो लगता है कि गठबंधन आगे बढ़ पाएगा या इन लोग पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी दुनिया की पार्टी अपने आप को मानती है। उत्तर प्रदेश में उनके टिकटों को फेंका जा रहा है वापिस, कोई उनके टिकट तो ले नहीं रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की 400 पार के दावे कर रही, उनके तो टिकट फेंक रहे हैं, कैसे जीतेंगे वो? इसलिए फेल है, मोदी जी का नारा सारा फेल है। और इसलिए आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। जेजेपी तो कह रही है कि इन लोगों का कोई जनाधार नहीं। ऐसे तो देखो, कहने से, किसी के कहने से जनाधार का पता नहीं लगता है, तो जनता फैसला कर देगी, थोड़े दिन की बात है। देखो वो तो वो जाने, हम तो अपनी पार्टी का फैसला करने के लिए आए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप में एक मजबूत संगठन हमने बनाया है, हम मजबूती से लड़ेंगे।